मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू सुनिधि ब्लॉग्स। आपका मेरे ब्लॉग में बहुत स्वागत है। मैं यहाँ अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और जो है आज का ब्लॉग मैं अपनी किचन से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ डोसे। और डोसे की प्रिपरेशन जैसे कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने रात को एक कटोरी रात को मूँग धुली दाल वाइट वाली जो होती है वो एक कटोरी रात को भिगो दी थी, और तीन कटोरी सेम क्वान्टिटी के जो कटोरी दाल ली थी वही सेम क्वांटिटी के तीन कटोरी चावल रात को भिगोए थे। और अब बनाने जा रही हूँ मैटर जो उनका होता है डोसे का, उनको रात भर मैंने भिगो के रखा था। अब जो है उनको मैं धो के पीस रही हूँ और आज डोसे बनाऊँगी। और आज जो भी मार्केट वगैरह जाऊँगी, जो भी आज का मेरा दिन मैं स्पेंड करती हूँ आज अपना शेयर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये दाल ली है मैंने थोड़ी, वही वाइट वाली रात को एक कटोरी भिगो दी थी, अब भिगो के भिगोई है तो ये सुबह तक फूल गई है थोड़ी। और अब इसको मैं इसको जार में पीसने जा रही हूँ मिक्सी में, ठीक है। और फिर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसका अगर चावल पीसूँगी तो दिखाती हूँ आपको। ये दाल और चावल का पेस्ट बनके तैयार हो गया जो है, अभी थोड़ा थिक है ये। अभी जो है ना इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल के इसको रख दूँगी धूप में। ये मैंने इसको धूप में रख दिया है, अब देखते हैं इसमें फर्मेंटेशन होता है नहीं होता। उठते ही यार सुबह कितने काम होते हैं, ठीक है। अभी उठी हूँ, उठते ही पहले डोसे का बैटर, पहले साल मेरे को स्कूल भेजा, उसके बाद अपना थोड़ा सा एक चाय पी, उसके बाद चाय मतलब वैसी चाय नहीं, एक दूसरी चाय पीते हैं हेल्दी टी, उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके अब उठी हूँ दोबारा। तो अब बनाया है डोसे का बैटर। डोसे का बैटर बनाने के बाद अब तनिष कॉलेज जा रहा है, उसके लिए बना रही हूँ बनाना शेक। बनाना शेक के बाद अपनी बना रही हूँ चाय, ठीक है। उसके बाद अभी सोचेंगे चाय के साथ, सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद दोपहर की लंच की तैयारी करो, लंच में सब्जी क्या बनानी है। कि अब हो गई है शाम और अब मैं डोसे बनाने लगी हूँ। डोसे क्या सांभर बनाऊँगी पहले, और सांभर की प्रिपरेशन आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करी है मैंने। कि जैसे सबसे पहले ये मैंने दाल बॉयल करने के लिए इसमें एक छोटी सी घिया ली है, वो काट के डाल दी है। और लिए हैं एक प्याज लिया बड़ी सी, उस लंबी लंबी काट दी है। प्याज इसी में डालूंगी मैं, तड़के में नहीं डालूंगी। और ये मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं, ये मैंने प्याज कट कर लिए हैं, प्याज कट करूंगी मतलब ऐसे छील लिए हैं। और अभी बनाऊंगी डोसा के अंदर जो आलू का मसाला भरते हैं ना वो बनाऊंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। गर्म हो रहा है और उसके बाद मैंने ये प्याज कट कर लिया है, ये थोड़े से करी पत्ता है ये इसके अंदर डालूंगी, और थोड़ी सी राई डालूंगी। ये मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं, थोड़े से इसमें करी पत्ता डाल रही हूँ। मैंने प्याज में थोड़ी सी हरी मिर्च काट ली थी दो तीन, और थोड़ा सा तेल डाला है थोड़ा सा, और उसमें तीन प्याज लंबी लंबी काट के डाली हैं और थोड़े से करी पत्ता डाले हैं। अब हल्का सा प्याज को सौटे करूँगी और फिर इसके अंदर नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल के आलू डाल दूंगी थोड़ा सा मैश करके। तो ये हो जाएगी फिलिंग तैयार हो जाएगी डोसे के मैटर, जो डोसा बनाएंगे उसके अंदर फिल करने के लिए। अब जो प्लेन डोसा खाना चाहता है प्लेन डोसा खा ले, और जो आलू वाला खाना चाहता है। इसमें नमक मिर्च और हल्दी मिला दी है, और ये मसाला कुछ ऐसा हो गया है। अब इसमें डाल देंगे बॉइल्ड पोटैटोस, और फिर उसके बाद फिर देखते हैं आपको आलू की शक्ल। तैयार हो गए हैं फर्स्ट क्लास मसाला। या आलू को देख के कुकर ने भी सीटी मार दी है, कितने बढ़िया लग रहे हैं, है ना। तो ये हो गई है फिलिंग तैयार, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ एक बार में। आलू बनाने के बाद, आलू का मसाला बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ मैसूर चटनी, क्योंकि मेरे बच्चे डोसे बिना मैसूर चटनी के नहीं खाते। और जो है अब मैसूर चटनी के लिए मैंने लिया है, ये मैंने एक प्याज काटी है, 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और 3-4 साबुत लाल मिर्च। तो सबसे पहले मैं जो है लहसुन और प्याज को डालूँगी थोड़ा से तेल में, और उसको सौटे करूँगी। डाल दिया करेंगे, थोड़ी सी इसमें डालेंगे चने की दाल, चने की दाल डाल दी है इसमें। आलू को थोड़ा सा ऐसे सॉटे करेंगे, तो हल्का सा दाल और प्याज सिक जाएंगी, तो इसमें डाल दूंगी मैं साबुत लाल मिर्च, और हल्का सा इसमें नमक डालेंगे, और फिर इसको ठंडा करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मिर्चों ये डालने की ज़रूरत नहीं होती लाल मिर्च, क्योंकि इसमें साबुत लाल मिर्च डालूंगी उसी से स्पाइसी हो जाएगी। मैं सांभर को तड़का उसके लिए मैंने तैयार करे हैं खाली टमाटर, अदरक लहसुन या प्याज तड़के में नहीं डालूंगी। और ये है करी पत्ता, और ये है थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसे, राई नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो, राई से बड़ी क्या होती है, सरसों, ये सरसों है।
तो पहले डालूंगी मैं इसमें, तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालूंगी सरसों, ये क्रैकल हो गई है, ठीक है। अब इसमें डालूंगी टमाटर, साथ में ही डालूंगी। काम कर लिया है, मसाला बना लिया, मैसूर चटनी बना ली, सांभर का मसाला तैयार कर दिया है, मगर सबसे बड़ी बात घर में सांभर मसाला ही नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब मेरे को जाके सांभर मसाला लेके आना पड़ेगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सांभर मसाला घर पर है नहीं। अब मैं जाऊंगी और सांभर मसाला लेके आऊंगी, तड़का पहले तैयार कर देती हूँ, फिर बंद करके जाऊंगी, और फिर थोड़ा सा बच्चे भी घर पे नहीं है और ये भी नहीं है, फिर से मंगाऊंगी, तो मैं उसको बंद करके थोड़ा सा टमाटर गल जाए फिर उसको हल्का सिम करके फटाफट भाग के दुकान से, पास नहीं है वहाँ से, शॉप से सांभर मसाला लेके आऊँगी और फिर इसमें डालूंगी, क्योंकि बिना सांभर मसाले के सांभर बनेगा नहीं और कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। और मैंने इसको थोड़ी देर पहले गर्म पानी में भिगो दी थी इमली, अब मैं इसको डालूंगी सांभर में, जिससे हमर खट्टा हो जाएगा। और सांभर मेरा तैयार हो चुका है, ये देखो, अब ये थोड़ा थिक है, इसको और पतला करूँगी, फिर टेस्ट करूँगी कैसा बना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने इमली डाल दी इसके अंदर सांभर में, थोड़ा सा अच्छे से अच्छी से रखती हूँ। सांभर तैयार है, अरहर की दाल का सांभर है, ये मटर है जो मैंने आपको दिखाया था सुबह, और ये आलू है, ये मेरी मैसूर चटनी भी बन चुकी है। तो आपको डोसे बना के दिखाती हूँ मैं। सुबह जो मैंने आपको दिखाया था मैटर कैसे था, और अब देख लो ये कैसे फूल गया एकदम, और अब ये डोसे बनने के लिए रेडी है। डोसे का मैटर मैंने एक छोटे बाउल में लिया है, अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, इसको और पतला करूंगी और इसको फिर अच्छे से मैश करूंगी। डोसे को मैंने पलट दिया, साइड चेंज कर दिया, थोड़ा दूसरी तरफ से सिकने दूंगी इसको, फिर इसमें भरेंगे आलू की स्टफिंग थोड़ी सी, क्योंकि मेरी मदर इन लोग आलू खाती नहीं है, उनको प्लेन डोसे पसंद है, दूसरे से सीख जाए, कई लोग ऐसे ही कर देते हैं ना, मैं ऐसे करके ये बनाई है ना, जो स्पाइसी होती है चटनी, ये ऐसे लगा दिया मैंने, और थोड़े से आलू भर दूंगी, ज़्यादा नहीं भरूंगी क्योंकि वो ना खाती नहीं है आलू मेरी मदर इन लॉ। अब इसको कर देंगे, देखो ऐसे ऐसे, पास से दिखा दो आप कितना क्रिस्पी हो जाएगी। डोसा इज रेडी, अब ये गया प्लेट में, साथ में थोड़ी चटनी सर्व भी कर दूंगी। ये बन गया डोसा, मैं बना रही हूँ डोसे, और अपनी वीडियो को मैं आप करती हूँ यहीं पे एंड। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और डोसे अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।